गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग। तो मैं आपका दोस्त शादाब नैनीताल से जो डेली देते हैं दोस्तों आप लोगों को नैनीताल की खूबसूरत वादियों के साथ अपडेट। तो आज की अपडेट हमारी क्या रहेगी, आज आप लोगों को दिखाते हैं नैनीताल शहर में किस तरह की भीड़ है। और उसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ, आज बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत ही मस्त जो है यहाँ का नैनीताल का आज का मौसम है। उसी के साथ मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप लोग नैनीताल घूमने के लिए आते होंगे तो पेड़ों पे वाइट वाइट कलर के आप लोगों को फूल नज़र आ रहे होंगे। तो दोस्तों आजकल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए एक पेड़ ये है अपना पांगड़ का। तो दोस्तों ये अभी आप लोगों को जो फूल नज़र आ रहे हैं ना, तो अभी पांगड़ के फूल हैं। तो अभी जब ये फूल झड़ जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर हल्के हल्के छोटे छोटे से आप लोगों को पांगड़ नज़र आएंगे। तो काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर आते हैं तो इसे जो है अखरोट समझ के तोड़ते हैं, इनमें मतलब उसी तरीके का होता है जैसे अखरोट होता ना, उसी तरीके का यहाँ पे इस पेड़ में आते हैं पांगड़, वो बोला जाता है पांगड़। और अगर पांगड़ अभी तो है नहीं, मैं आपको दिखा देता पर जिस दिन होंगे मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। उसी के साथ आप लोग देखिएगा ये है पंथ पार्क। अगर आप लोग मालरोड में आते हो, मालरोड से लुंडा बाज़ार की तरफ आप लोग जाते हैं जहाँ पर सस्ता बाज़ार है जैसे आपको हम बताते रहते हैं, तो आपको जो राइट साइड में ही यहाँ पर ये पार्क नज़र आएगा। और ये दोस्तों सीजन में काफ़ी अच्छा यहाँ पे पानी झरना चलता है, अभी तो देखिए पूरा सूखा पड़ा है। और यहाँ पे देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे देखिए फूल झड़ते हुए नज़र आ रहे हैं पेड़ों पे से, ये देखिए। तो चलिए इसी के साथ आपको दिखाते हैं नैनीताल में किस तरीके की भीड़ है आज। दोस्तों हम पंत बाज़ार से आ गए हैं माल रोड साइड में और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि कल से ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक है और कल से ज़्यादा भीड़ है या कम है। और यहाँ पे तो देखिए इतनी भीड़ नज़र नहीं आ रही है, उसी के साथ यहाँ पे आप ट्रैफिक भी देख सकते हैं, यहाँ पे जितना ट्रैफिक कल था इतना ट्रैफिक आज नहीं है। और आज टूरिस्टों की भी इतनी भीड़ नज़र नहीं आ रही है, कल तक जो यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं थी आज इतना भीड़ नहीं है। तो अभी तो दोस्तों सीज़न के अभी 8-9 दिन ही हुए हैं, अभी 50 दिन और हैं अभी मई जून का सीज़न जो आता है हमारा। और यहाँ पे देखिए नीचे वाली रोड पे देखिएगा इतना ट्रैफिक नहीं है गाड़ियों का, जैसे आप लोगों ने मेरी कल वाली वीडियो देखी थी यहाँ पे कितना भयंकर यहाँ पे ट्रैफिक आ रहा था इस वाली रोड से। तो अभी तो 6-7 गाड़ी हैं, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, पर ट्रैफिक जो चल रही है हल्का फुल्का नीचे वाली रोड पर भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और ये हमारे नैनीताल की ई रिक्शा, पहले जो है पैडल वाली रिक्शा चलती थी 10 रुपये सवारी थी, आज भी ई रिक्शा में 10 रुपये सवारी हैं। अगर आप लोगों को रिक्शा की शेयर करनी है तल्लीताल से मल्लीताल तो आप लोग जो है वहाँ से टिकट ले सकते हैं, वो सामने रिक्शा स्टैंड है। तो अभी रिक्शा स्टैंड भी दिखाएंगे, वहाँ पर देखते हैं आज ज़्यादा लाइन है या कल ज़्यादा लाइन थी। तो देखिए काफ़ी गाड़ियाँ आ चुकी हैं नीचे वाली रोड से। अभी हम चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा मालरोड का नज़ारा दिखा देते हैं मालरोड में किस तरीके की भीड़ है। तो कल से ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, तो यहाँ पे ज़्यादातर भीड़ आप लोगों को जैसे मैं बताता रहता हूँ संडे सैटरडे और फ्राइडे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ रहती है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ऑफ सीज़न में भी आएंगे और आप लोगों को 6 से 8 माल रोड घूमना है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको जो है टूरिस्ट नज़र आएंगे घूमते हुए। उसी के साथ यहाँ पर मार्केट वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पर माल रोड में अगर जैसे आप लोग एंट्री करेंगे ना तो आपको सबसे पहले ये मार्केट नज़र आएगी। उसी के साथ आप लोग अगर आप लोगों को पान खाना है बनारसी यहाँ पे देखिएगा, अगर आप लोग पान के लवर हैं तो यहाँ पे आप लोग जो है पान आके खा सकते हैं। और इसी के बराबर में अपना चर्च, तो मल्लीताल रिक्शा स्टैंड के पास में ही ये चर्च है, देखिए पुलिस चौकी के पास। तो यहाँ पे भी अभी भी देखिए काफ़ी यहाँ पे हमें टूरिस्ट घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसी के साथ यहाँ पे दिखाते हैं नीचे वाली रोड पे, ये देखिए पूरी खाली पड़ी है। और आप लोगों को डेली मैं आप लोग अपने ब्लॉग में दिखाता रहूँगा यहाँ पे कितनी भीड़ रहेगी मई जून में। अगर आप लोग जो भी मई जून में घूमने आना चाहते हैं तो कौन से दिन घूमने आना चाहिए वो भी मैं आपको अपने ब्लॉग में बताऊँगा। और ये है मचान रेस्टोरेंट जो यहाँ का माल रोड का काफ़ी फेमस है और काफ़ी यहाँ पर अच्छा खाना मिलता है। तो इधर आप लोगों को काफ़ी यहाँ पे कपल्स घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर आप लोग भी घूमने आना चाहते हैं नैनीताल में तो आप लोग आ सकते हैं इस टाइम घूमने के लिए।
जैसे मैंने आप लोगों को पूरा ब्लॉग बना के दिखाया था चन्नी राजे के अंदर का, और यहाँ पे रूम यार कितने बढ़िया रूम है, आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे ब्लॉग में। और जो मेरे इस ब्लॉग में नए हैं तो वो लोग आप लोग जो है मेरा ब्लॉग देख सकते हैं चन्नी राजे में कितना बढ़िया बढ़िया होटल है। और आप लोगों को ऑनलाइन बुक करना है तो आप लोग ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसी के बराबर में अपना आहूजा होटल भी है, पर आहूजा होटल के लिए रास्ता वहाँ पर जाता है। और यहाँ पर देखिएगा प्रिंसेस शोरूम, जो यहाँ पे काफ़ी अच्छा शोरूम है। यहाँ पे बच्चों के कपड़े काफ़ी अच्छे अच्छे मिलते हैं, बड़े छोटे बच्चों के सबके मिलते हैं यहाँ पे। तो अभी तो देखिए इधर साइड में देखिए पूरी खाली रोड पड़ी है, और आज जो है यहाँ पे देखिए रोड डली है, तो कल ये वाली रोड डलेगी। आज जो है उधर साइड में एक साइड जो है डाली है, एक साइड कट डलेगी। उसी के साथ यहाँ पर देखिए अगर आप लोगों को कुछ खाना है गोलगप्पे वगैरह तो आप लोगों को भैया इसी तरीके से यहाँ पे साथ हम आ गए हैं फुटपाथ बाज़ार में, और यहाँ पे आपको दिखाते हैं किस तरह की यहाँ पे भीड़ चल रही है। तो अभी रोडों पे इतना ट्रैफिक नहीं है और इतनी भीड़ नहीं है, पर हम बाज़ार साइड में आए सस्ते बाज़ार में, तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी भीड़ देखने नहीं मिली। और काफ़ी यहाँ पे देखिए आप लोगों को नज़र आ रही होंगी दुकानें लगी हुई, तो जैसे आप लोगों को पता है यहाँ पर 4 बजे से 6 बजे तक की दुकानें लगती हैं, तो अभी जो है सारी दुकानें लग चुकी हैं। और यहाँ पे आप लोगों को बहुत बढ़िया बढ़िया आइटम वगैरह मिल जाएगा। किसी को भी आप लोगों को गिफ्ट वगैरह लेके जाना है नैनीताल से तो यहाँ से आप लोग लेके जा सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हर दुकान पे आप लोगों को टूरिस्ट खड़े हुए नज़र आ रहे होंगे शॉपिंग करते हुए। और यहाँ पे देखिए, और आप लोगों को यहाँ की यादगार लेके जाना है पहाड़ी टोपी, तो आप लोग यहाँ से ख़रीद सकते हैं सस्ते बाज़ार में। आप लोगों को इस सस्ते बाज़ार में ना सब कुछ मिलेगा, आपको सब कुछ जो आपको बड़ी बड़ी मार्केटों में मिलता है ना वो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो अभी आपको लेके चलते हैं लेक के किनारे। तो इधर साइड में आप देखिएगा, तो यहाँ पे पहले दुकानें लगती थी, आजकल यहाँ पे दुकानें नहीं लग रही हैं। दुकानें नहीं, यहाँ पे चाय के ठेले वगैरह लगते थे, तो आजकल यहाँ पे नहीं लग रही हैं। तो आजकल भैया जो है यहाँ पे हाथ में लेके अपने चलते हैं बैलपुरी की कंडिया, ये देखिएगा। और बहुत ही ज़्यादा भैया मेहनत करते हैं यहाँ पे इस, और ये ही कंडिया जो है पूरे मार्केट में लेके घूमते रहते हैं, बैलपुरी बेचते रहते हैं। उसी के बराबर में अगर आप लोगों को बैलपुरी वगैरह चाहिए तो यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए बैठे हुए हैं लेक के किनारे में। यहाँ पर देखिएगा तो काफ़ी आज माशाल्लाह से मार्केट के अंदर चल चाल है, काफ़ी भीड़ है टूरिस्टों की। उसी के साथ यहाँ पे देखिए काफ़ी लोग आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे बैठे हुए। तो आप लोग भी अभी ठंडी ठंडी हवा खाना चाहते हैं अगर नैनीताल आए हैं तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। ये अपना सस्ते बाज़ार के और लेक के पास में ही है। तो हमारे नैनीताल में साइकिल भी आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों को माल रोड पर साइकिल राइडिंग करनी है तो यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। 100 रुपये या 150 रुपये घंटे यहाँ पर मिलता है। और आप लोग तलीताल से मल्लीताल के लिए जो है साइकिल अगर से एंजॉय करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, आप लोग आके घूम सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे देखिए झील के पास में काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पे आप लोगों को बोटिंग करते हुए नज़र आ रहे होंगे। काफ़ी लोग देखिए बोटिंग करके आ रहे हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पर वेटिंग कर रहे हैं बोटिंग का। और इसी के साथ यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग जो है बोटिंग देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लेक में बोटिंग हो रही है, और किस तरीके से हम जो है बोटिंग करने के जाएँ। और बोटिंग का प्राइस है फुल चक्कर जो अपने 420 रुपये का है, हाफ चक्कर जो है 320 रुपये का है। फुल चक्कर दोस्तों पूरा मंदिर तक जाते हैं, और हाफ चक्कर वो सामने आपको ड्रम नज़र आ रहा होगा, तो मेरी वीडियो में इसमें तो बहुत ही कम नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ तक जो है हाफ चक्कर रहता है। तो इसी के साथ अगर आप लोग भी अगर घूमने आना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा, उसी के साथ अपने चारों तरफ से देखिए कितना खूबसूरत और कितना प्यारा नज़ारा देखने में मिलता है। तो आप लोग इन दिनों में घूमने आना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं। तो दोस्तों 15 तारीख के बाद जो नैनीताल फुल होगा ना तो वो रहेगा फिर अपना लास्ट जून तक। तो आप लोग अगर आराम से घूमना चाहते हैं तो आप लोग इस टाइम आ सकते हैं 15 तारीख से पहले पहले, क्योंकि 15 तारीख तक दोस्तों कंटिन्यू 45 दिन नैनीताल के अंदर इस तरह की भीड़ रहने वाली है, उसी के साथ ट्रैफिक भी, तो बहुत ज़्यादा इन दिनों में घूमना मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग इन दिनों में घूमने आ सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और काफ़ी लोग यहाँ पे आप लोगों को खड़े में नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा व्यू देखने मिलता है पूरा लेक का। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग बाहर जो है बोटिंग कर रहे हैं। और एक बात और बताता हूँ मैं आपको, काफ़ी हमारे सिताल की सबसे खूबसूरत लेक
और आप लोगों को भी नज़र आ रही होगी कितनी खूबसूरत हमारी नैनीताल की लेक है। उसी के साथ चारों तरफ के व्यू आप देख सकते हैं, उसी के साथ आप चारों तरफ के पहाड़ देख सकते हैं, उसी के साथ आप लोग आसमान भी देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये यहाँ से लेक में से आपको आसमान का व्यू नज़र आता है। और इधर साइड में देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे रैली पे बैठे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। और आप लोगों को भी यही रिलैक्स रहना है तो आप लोग नैनीताल आ जाइए घूमने, और नैनी लेक के पास आप लोग शाम का टाइम सबसे खूबसूरत नज़ारा देखने मिलता है और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा का आनंद मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे एक चिल्ड्रन पार्क है बच्चों का, अगर आप लोग आते हैं और यहाँ पे टाइम पास करना चाहते हैं, आप लोग इधर आधर साइड नहीं घूमना चाहते हैं और बोटिंग में नहीं घूमना चाहते हैं, तो आप लोग एक चिल्ड्रन पार्क में घूमने के लिए आ सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए, और इसी के सामने आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है कैपिटल सिनेमा। अगर आप लोगों को मूवी देखना है और मूवी लवर हैं तो आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल सिनेमा। अगर आप लोगों को ऑनलाइन बुकिंग करनी है, मूवी देखना है, तो आप लोग जो है इसे ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं। ये देखिए, और आप लोगों को बच्चे ये देखिए झूला झूलते हुए नज़र आ रहे होंगे, तो आप लोग भी अपने बच्चों को इसमें झुलाना चाहें तो झुला सकते हैं, कोई भी इसका चार्ज नहीं है और इसके अंदर एंट्री फ्री है। पर एक बात बताता हूँ, यहाँ पे ना कूड़ा मत डालना, काफ़ी यहाँ पे लोग बाहर आते हैं ना खाना पीना लेके आते हैं तो यहाँ पे डाल के चले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जगह जगह पे डस्टबिन है, यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ आप लोग खाते हैं चिप्स वगैरह या कोई भी चीज़ आप लोग खाते हैं तो कूड़ा जो है डस्टबिन में डालिएगा। यहाँ पर देखिए जगह जगह पर यहाँ पर देखिए डस्टबिन बने हुए हैं। और इसी तरीके से आप लोगों को भी एडवेंचर करना है तो आप लोग आ सकते हैं नैनीताल घूमने के लिए और चिल्ड्रन पार्क में। इसी के साथ अपना लेक का भी नज़ारा देख सकते हैं और बच्चों के साथ यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं आप लोग। इसके साथ दोस्तों हम बोटिया इन तिब्बत मार्केट पहुँच चुके हैं और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है टूरिस्टों की, आप लोगों को सामने से देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस टाइम शाम को बहुत ठंडा मौसम हो जाता है। उसी के साथ यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है दो मार्केट हैं जो नैनीताल में काफ़ी फेमस है, भोटिया मार्केट और तिब्बत मार्केट। और आप लोगों को कुछ खाना पीना है यहाँ का, फूड्स वगैरह यहाँ के मोमोस वगैरह यहाँ पे थुप्पा वगैरह। तो दोस्तों ये अपनी चाट बाज़ार, तो इस साइड को जो है पूरा चाट बाज़ार कहलाते हैं, वो सामने तिब्बत मार्केट है और ये अपनी भोटिया मार्केट में। उसी के साथ हम चलते हैं अपने बोवी भाई की दुकान पर। जैसा आप लोगों को पता है मैं आजकल जो अपने बोवी भाई को ले रहा हूँ, और उसी के साथ आप लोगों को दिखाता हूँ बोवी भाई क्या क्या बेचते हैं। देखिए कितनी अच्छी अच्छी वैरायटी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी, ये देखिए। पर यहाँ पे दोस्तों बार्गिन नहीं होता, कभी भी आइएगा तो बार्गिन करके शर्मिंदा मत करिएगा बोबू भाई को, क्या हम भैया आपकी वीडियो देखते हैं तो आपको डिस्काउंट दिएगा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, 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 है नहीं। तो ये हमारे बोबू भाई हैं, तो काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर जानते भी हैं। तो बोबू भाई की अभी सुबह से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, तो अभी भैया बोबू भाई ने मास्क भी लगाया था तो अभी मास्क हटा दिया है। तो क्या कहना चाहते हैं बोबू भाई आज के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा, दो दिन से मेरा गले में खराश, आवाज़, जुकाम, सर्दी जुकाम होने से आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, और सुबह जाने में सर्दी बुखार जैसा हो रहा है, तो इसलिए मैं मास्क पहनकर यहाँ पर बैठता हूँ। तो दोस्तों जो भी आप यहाँ आना चाहें, कि शाम को सर्दी रहता है तो इस तरह का अपर आपको पहनना होगा, अगर लेके आना होगा, अगर लेकर नहीं आएंगे तो यहाँ अचानक मौसम खराब हो जाता है, कभी भी कुछ भी मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। तो अपर लेकर आए, यदि लेकर नहीं आते हैं तो इन्होंने ब्लॉग के माध्यम से मेरी दुकान दिखाई दी है, तो दोस्तों यहाँ आकर जो भी चाहिए, जो जिसको भी जो चीज़ चाहिए, छोटे बड़े सभी चीज़ अवेलेबल है, तो वो चीज़ आप यहाँ आकर शॉपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को सुबह नैनीताल का नेशनल व्यू देखना है तो हमारे बोबो UK04 में जाइए, जो हमारे बोबो भाई जो डेली नैनीताल की अपडेट देते हैं। सुबह ही उठ के 6 बजे जाते हैं मॉर्निंग वॉक में, और आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाने के लिए जाते हैं कि आप लोग देखें हमारे नैनीताल में कितना अच्छा नेचुरल सुबह सुबह का व्यू देखने नहीं मिलता है। तो प्लीज़ यार आप लोग दो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को जो है शेयर करिए करिए, और उसी के साथ हमारे बोबो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी मेरी वीडियो देखता है, जो भी हमसे प्यार करता है, तो हमारे भाई को भी थोड़ा सा प्यार बांटिएगा। और दोस्तों आप लोगों की दुआ से मेरे 5 घंटे बचे, और वो 5 घंटे माशाल्लाह से हो गए होंगे, तो आज माशाल्लाह से मेरे 4000 वॉच टाइम पूरा कंप्लीट हो गया है। उसी के साथ आप लोगों को मेहनत करनी है, और आप लोगों को प्लीज़ यार सपोर्ट करना है मेरे बो भाई का चैनल को, जो है बहुत इन्होंने मेहनत करी और इनका जो है टाइम घट गया था, इन्होंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग पूरी पूरी वीडियो देखिए, वीडियो स्किप मत करिएगा, स्किप करेंगे तो आप लोगों को कोई भी जानकारी नहीं समझ में आएगी, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो भी हमारी मेहनत है,
आप लोगों के थ्रू हमें मिलती है, जो भी आप लोगों ने इतना हौसला दिखाया है, इतना आपने सपोर्ट किया है, तो आज इनका वॉच टाइम पूरा होने को जा रहा है। तो मेरा समस्या यह है कि वॉच टाइम घटता जा रहा है, तो क्योंकि मुझे वॉच टाइम बढ़ाने के लिए काफ़ी सारा व्यूवर चाहिए, काफ़ी सब्सक्राइबर चाहिए, तो जितना प्यार इनको दिया है वही प्यार मुझे भी मिलता रहे, मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, नहीं किया है तो दोस्तों फिर भी मुझे ढूंढिएगा, फिर भी मैं चैनल आपको दिखाता हूँ, इस तरीके का मेरा यह चैनल है, तो इसको आप फौरन से जाकर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें तो मुझे अच्छा लगेगा। तो दोस्तों थैंक यू। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं बोबो है के साथ अपनी एंड। अब आइए।